ये पॉलिथीन लिया मैंने, बटर नट। ओके मैं ले लेती हूँ ये बनाना, देखती हूँ कैसे। ऑर्गेनिक बनाना है, ये ले लिया मैंने। अब मैं ऑलिव ऑयल के साइड जाती हूँ। ये देखिए प्लांट्स वगैरह, ये प्लांट्स तो है मेरे पास और यहाँ से कंप्यूटर कंपोज है, फिर दही, यहाँ से देखिए दही की डिपार्टमेंट के साथ दही है, इतने तरह की दही, हर तरह की, इसमें हर तरह का फ्रूट है। दही के साथ साथ ये ना टोमाटो फ्रेश, यानी कि ये चीज़ लिक्विड चीज़ी योगर्ट भी रखते हैं, तो वो भी है अलग अलग ब्रांड के। और ये है कैल्शियम, जिनको बॉडी में कैल्शियम की प्रॉब्लम या कुछ भी, तो वो ये दही खाएंगे तो उनकी कैल्शियम की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो खाने पीने में ही, मेडिसिन खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, खाने पीने में ही उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ऐसा है, और मैं ऑलिव ऑयल के डिपार्टमेंट में जाती हूँ। ये देखिए, ये सारे ऑलिव्स हैं, कोकम्बर, छोटे छोटे कोकम्बर, बेबी कोकम्बर, ये सारे विनेगर में डले हुए हैं और बहुत टेस्टी। मायोनेज़ भी है और बहुत तरह मायोनेज़ है, अलग अलग तरह का सॉस है। ये देखिए, ये मस्टर्ड, क्रश की हुई मस्टर्ड विनेगर डली हुई। अब मैं इसमें से चूज़ करती हूँ। देखिए, एक छोटा सा ऑलिव ऑयल, ये 250 ग्राम्स वाली वाली बॉटल है, 565 का, नहीं ये नहीं है 565 का, दूसरा है। इसका कॉस्ट क्या है नहीं पता है। ये देखें, ये है क्या उसको कहते हैं, वॉलनट का, वॉलनट ऑयल। देखिए इसमें ओमेगा 3 कम भरा पड़ा है, भर के ओमेगा 3 है। तो ये अगर आप अपने खाने में यूज़ करते हैं सलाद में डालकर, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए कहते हैं ना लोग बाहर, यहाँ 77-80 ईयर्स के लोगों को भी आप जब रोड पर देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो इतना तेज़ भाग रहे हैं, इतना तेज़ हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर वो इसलिए क्योंकि वो इस टाइप की चीज़ें खाते पीते हैं। ये स्पेन की ऑलिव ऑयल है और ये क्लासिक, ये भी स्पेन की है, मगर ये देखती हूँ
इसका क्या कॉस्ट है पता नहीं, यहाँ मशीन में चेक करती हूँ मशीन में क्या कॉस्ट है, अगर ये सही बात है ये नहीं तो ये ले लूँगी दोनों से कोई सा भी एक। बस हो गया मेरा आज की ख़रीदारी हो गई। तरह तरह की चीज़ें हैं तो अभी तो ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है मुझे। एक यहाँ ना ड्राइड टोमेटो मिलता है, इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है वो, मगर मेरे हस्बैंड वो खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ कोई भी ड्राइड चीज़ खाने का। ओके हाँ बिस्किट लेना था। ये है शायद कोकोनट क्रीम, क्रीम है कोकोनट का। ये देखिए मैं ढूंढ रही थी कोकोनट मिल्क, मगर ये कोकोनट मिल्क नहीं है, ये क्रीम है। तो इसमें कितना परसेंट है कोकोनट का ये तो देखो, 57.6% है। और ये नहीं चाहिए, ये देखिए कितने तरह की ग्रीन टीज हैं और एरोमा नेचुरल और मंदारिन जो ऑरेंज, ऑरेंज तीन कैटेगरीज में का होता है ना, एक ऑरेंज होता है, एक लेमोनटीन होता है और एक मंदारिन। तो ये मंदारिन देखिए इसमें बना हुआ, अभी फ़ोटो भी बना हुआ है। और चॉकलेट्स हैं देखो, ब्लैक चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट बहुत अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए, एंटी एजिंग के लिए और ऐसे भी। पेरू का है, पेरू का तो बहुत अच्छा होता है, बट मुझे अभी ख़रीदना नहीं है वो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है घर में। ये ग्रीन टी है मिंट के साथ, इसका कॉस्ट है 1 euro and 63 cents। ये ते वेर एरोमेटिजे लिखा हुआ है, ते वेर मीन्स टी, वेर यानी ग्रीन, ग्रीन टी एरोमेटिजे मीन्स एरोमेटिक, ग्रीन टी एरोमेटिक ये। और मैं यहाँ से बिस्किट लेने आई थी तो जो वाली बिस्किट मुझे चाहिए वो दिख नहीं रही है, यहीं कहीं रखी होगी, मुझे मेरा नज़र नहीं पड़ रहा है। ढूंढना पड़ता है मेरी नज़र से दौड़ा, क्योंकि ये लोग ना जगह चेंज कर देते हैं, तो जगह चेंज कर देते हैं तो ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट मिल जाता है। मगर ये पेटिक्ट प्योर मीन्स, ये भी ऑर्गेनिक है, पेटिक प्योर मीन्स स्मॉल बटर, स्मॉल साइज की है बटर वाला, तो ये लेना सही होगा। मेरे को मिल नहीं रहा है वो तो यही ले लेती हूँ, तो इसका डेट चेक करूँ, इसका डेट कितना है, 17 June 2020 वैलिड है, तो ये ले सकती हूँ। एक ले के देखती हूँ क्या इसका कॉस्ट, तो यहाँ लिखा नहीं कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए चॉकलेट के साथ गुड चॉकलेट, ये तो ये हेज़लनट जो मैंने आपको बताया था रास्ते में, उस वो डला हुआ अंदर में, उसका बैटर बना के तैयार करके उसके अंदर डला हुआ है हेज़लनट ये बिस्किट के अंदर। और वो वाली बिस्किट क्यों नहीं दिख रही है मुझे, वो जिससे लेने आई हूँ मैं, नहीं मिल रही तो यही ले लेती हूँ दो। सीरियल भी हो, ये देखो सीरियल्स भी है, और सीरियल्स सीरियल्स नहीं, सीरियल्स बिस्किट भी है, तो एक नहीं वो मुझे पसंद नहीं होता है चाय के साथ खाने के लिए, वो अच्छा होता है हेल्थ वाइज अच्छा है मगर मुझे पसंद नहीं है इतना। तो ये देखिए इसमें ऑरेंज डला हुआ वाइटलिटी, ये ले लेती हूँ, ये सोयाबीन और ऑरेंज डला हुआ। देखिए वाइटलिटी मैग्नीशियम इसमें भरा हुआ, भरा पड़ा है, ये देखें। यहाँ खाने पीने की जो मार्केट से जो हम जनरली रोज़ाना खाते पीते हैं ना, उसी में
उसी में ही इतना हेल्दी चीज़ें रहती है कि हेल्दी इन द सेंस कि आपके हेल्थ को बूस्ट करने वाला, तो जिसकी वजह से अलग से हमें हेल्थ के लिए कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी को अगर हम तरीके से खाते हैं ना तो हम हेल्दी रहते हैं हमेशा। ओके, यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैंने एक वो ले लिया और एक वो ले लिया है। ओके, अब दोनों अलग अलग टाइप के। अब मैं यहाँ देखूँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ जो बैचलर्स रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बैचलर्स क्या, ये जो फ्रेंच लोग हैं वो तो रोज़ाना खाना नहीं बनाते, हम रोज़ाना खाना बनाते हैं। किसी किसी दिन हम भी नहीं बनाते मगर मैक्सिमम डेज तो हम बनाते ही हैं ना, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर ये जो बैचलर्स हैं, ये जो फ्रेंच हैं लोग रहते हैं, वो मैक्सिमम बैचलर्स ही रहते हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, तो वो लोग इस टाइप की ही चीज़ें बस निकाला और बाउल में डाला और माइक्रोवेव में गरम किया और खा लिया, बटर थोड़ा सा डाला और खा लिया इस टाइप से। ये तो बहुत अच्छा, वाओ, आई लाइक दिस। ये क्या है, अरिको मूंगो, ये मूंग का स्प्राउट है। देखें, स्प्राउट भी मार्केट में मिल रहा है इस टाइप से। स्प्राउट तो और भी जगह मिलता है अलग से, सोयाबीन का स्प्राउट और ये मूंग का स्प्राउट है। देखिए ये बीन्स वगैरह ये सारा भी आराम से लीजिए, गरम कीजिए और खाइए। इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डला। अगर आपको अलग से बनाना है, अगर जैसे कि हम भी ले जाते हैं और हम मसाला तैयार किया और उसमें ये निकाल के डाल दिया, बस हो जाएगा। ये देखिए कितना कॉस्टली है। ओके, अब मैं चेक करती हूँ, पहले मैं चेक करती हूँ यहाँ मशीन में कि ये ऑलिव ऑयल का क्या कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ पे लिखा नहीं था इसलिए। ये देखें मशीन है, ये तो ये मशीन है, इसमें अभी मैं चेक करूँगी। ये देखिए अब इसका कॉस्ट बताया, 6.29 वन लीटर ये वाले का, और इसका इसका बताया 5.24। तो एक यूरो के लिए मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, है ना। तो ज़्यादा का कम ज़्यादा होता तो मैं कम वाला ले लेती, अब एक यूरो के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इसीलिए इसको रहने दो। मगर ये देखती हूँ, ये वन लीटर है, ये कितना है, ये भी वन लीटर है, तो यही ले लो, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इसको रख देती हूँ ऑलिव ऑयल के ही सेक्शन में जाके। लोग तो काउंटर पे भी छोड़ देते हैं जो चीज़ नहीं लेना है, तो फिर वो उसको वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे करना, तो इसलिए मैंने इसको इसके जगह पे रख दिया जहाँ से उठाया था। देखिए मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसे उठाया था। ओके, लेट्स गो टू द काउंटर। मुझे ऐसा लग रहा है अगर काउंटर पे भीड़ होगा ना, रश होगी ना, तो फिर मैं डायरेक्ट मशीन पे जाऊंगी जो सेल्फ मशीन है। मेरा रश तो नहीं है बट मैं यहाँ पे आऊंगी। जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे बड़ी अजीब सा थोड़ा लगता था, देखिए ये मशीन, ये चार मशीनें लगी हुई है, एक दो तीन और चार मशीन लगी हुई है।
लेना था नहीं अंदर आ गई हूँ काउंट ये जो सेल्फ मशीन है पढ़ दो हल्की सर्दी चल रही है ना इसके लिए खांसी हो रही है मुझे ये देखिए ये स्कैनिंग करेंगे सेल्फ हमने दो मिनट के लिए इसको Déposer l'article. Oui. Il y a une caisse là en face. Il y a moins de monde. Veuillez déposer l'article. La Diba qui est occupée par les colis. Déposer l'article. Madame, s'il vous plaît, je voulais retirer ça. इनका कार्ड है तो मैंने यस लिखा और कार्ड ये है कार्ड इसको मुझे पास से करना है पास से किया और वो पूछ रहा है कि आपने कैसे पेमेंट करना है कार्ड एटीएम कार्ड से या पैसे से तो मैंने पैसे
Au revoir, madame. ओके अब हमारी इंडियन श्रीलंकन शॉप चलेंगे जहाँ के मुझे क्यूमिन सीड्स लेना है. तो अब मैं बाहर आ गई हूँ शॉप से, रोड क्रॉस करने के लिए देख रही हूँ गाड़ी आ रही है जा रही है, ये देखें. और मुझे रोड क्रॉस करना है. किया मैंने, ये एक श्रीलंकन दुकान है अंदर एंटर किया. यहाँ से मुझे वो क्यूमिन लेना है. पार्डन क्यूमिन सीड्स, हाँ मुझे वो भी लेना था, मैं भूल गई थी. ये लेना था, क्या इसको कहते हैं, नूडल्स लेना था मुझे. इसका डेट चेक करो, 2020 दो तीन ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेंगी फिलहाल. क्यों देखिए यहाँ पे भी मसाले सारे हैं. होल जीरा ये लेना था. ये क्यूमिन सीड्स, ओके. और ये डेट चेक करूँ मैं, बहुत वैलिड है. March 2020. और ये कोलंबो, ये देखिए एक मसाले, ये जो मसाले हैं ना, आप जिस चीज़ में भी डालो, आपको एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बस ये डाल दो और लहसुन अदरक डाल दो, इतना टेस्टी खाना बनता है, इतना टेस्टी. ये क्या है, एनी सीड्स 52. ओके मैंने ये ले लिया. और मुझे शाही ज़ीरा भी चाहिए, ब्लैक क्यूमिन सीड्स. अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो. ये तुख मारिया, ये तुख मारिया क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं. मैं हमेशा पूछना चाहती हूँ तुख मारिया क्या है, तुख मारिया ये क्या होता है. मैंने हर शॉप्स पे यहाँ देखती हूँ, जितने भी अपने इंडियन पाकिस्तानीज और जो भी एशियन शॉप्स हैं ना, उन सब के शॉप्स पे मैं ये देखती हूँ तुख मारिया ये क्या होता है. मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहती हूँ. अगर आप लोगों में से किसी को पता है तुख मारिया क्या होता है तो बताएं प्लीज़ मुझे. और यहाँ बस ये ले लेती हूँ, और तो वो दिख नहीं रहा मुझे. शाही काला जीरा नहीं, शाही जीरा नहीं है, यहाँ नहीं दिख रहा. तो मैं ये नूडल्स के 3 पैकेट और ये क्यूमिन, नॉर्मल क्यूमिन सीड्स ले लेती हूँ और चल रही हूँ. कोकोनट मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर भी यहाँ मिलता है. और सभी को ये तो
तो बहुत अच्छा है। ये कितने की है? 1.90। और डेट कब तक वैलिड है देखें? अक्टूबर 2019। इसमें से डेट निकल गई है। इसका डेट निकल गया तो इसको छोड़ो। फिश, सारे फिश हैं इसमें। फिश है, प्राउन्स, यहाँ एक ना रेड चिली मिलता है गोल गोल टाइप का। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ कहीं दिखे तो, ये इतना ज़्यादा, ये नहीं, ये इतना तीखा, ये मैक्सिकन भी बहुत खाते हैं। ये इतना तीखा, एक डॉट ये हो या ये येलो हो, एक थोड़ा सा, इतना थोड़ा भी अगर आपकी ज़ुबान पे टच हो गया ना, मगर इसका एक स्मेल, इसकी एक टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मगर वो ना बहुत हॉट है। तो वो विनेगर में डालकर ये बनाते हैं। देखिए ये लगा हुआ है ताकि कैमरे से अटैच है, ताकि पता चल रहा कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए ओके Merci beaucoup. Merci, au revoir madame. Au revoir. Pardon. Ils sont bons. Chalez, ab main ghar ki taraf ja rahi. धूप मुँह पे पड़ रहा है, आज मौसम बहुत अच्छा है ना, तो धूप आ रहा है बहुत। तो ये हो गया, अब मुझे घर जाती हूँ। आज शाम में ना, अभी थोड़ी देर के बाद शायद मैं मेरे हस्बैंड के साथ में ना एक शॉप पे जाऊँगी, अगर हो सका तो वहाँ मैं वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। अस्तौन दे मिसेस, ये देखिए ग्रीन है मगर फिर भी वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाता आ रहा था उनको रोका मैंने। और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, तो थोड़ी देर में ना हो सकेगा तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगी, जो कि वो शॉप पे मैं जाऊँगी ना,
जहाँ, क्योंकि हमें ना कुछ फर्नीचर्स लेने हैं, यानी कि जो हमारे पुराने डाइनिंग टेबल थे उसे हमने निकाल दिया है, तो अब वो जगह खाली हुई, तब वहाँ के लिए दूसरा नया डाइनिंग टेबल लेना है, फिर सोफ़ा सेट भी लेना है न्यू, तो अब देखें कब तक लेना है। लेकिन आज क्योंकि हमने बहुत सारे 5-6 शॉप्स में हमने चक्कर मारे, क्योंकि हमारा जो स्पेस है उसके हिसाब से सोफ़ा चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए और ना ही छोटा चाहिए, तो वो मीडियम साइज़ का चाहिए, ताकि उस पर कुछ लोग आ भी जाएं तो वो भी बैठें, क्योंकि पहले भी हमारा मीडियम साइज़ का ही था, तो उसे पुराना हो गया था थोड़ा, तो उसे हमने निकाल दिया है, या अभी उसे निकाला नहीं है, निकाल देंगे अब 1-2 दिन में, सोफ़ा आ जाए न्यू आ जाए, तो हमने पुराना निकालना है, तो इसके लिए देख रहे हैं जो कि अच्छा हो। और डाइनिंग टेबल तो ऑलरेडी निकाल दिया है, क्योंकि ये देखिए मैं उसी रास्ते से वापस जा रही हूँ जहाँ हेज़लनट का पेड़ ही है, उस साइड भी हेज़लनट का पेड़ है, रोड के दोनों साइड जो फुटपाथ है उस पे हेज़लनट के पेड़ लगे हुए हैं एक लाइन से। और यहाँ पता है लोगों के घरों में जो चेरीज़ के पेड़ लगे हैं या कोई भी चीज़ के पेड़ लगे हैं, अगर वो रोड मतलब फुटपाथ पे मतलब उनके बाउंड्री से बाहर अगर आ रहा है ना उसके डाल, तो बाहर का कोई भी बंदा तोड़ सकता है उस, वो बाहर के बंदों के लिए ही वो रहता है, उसको वो मना नहीं कर सकते हैं। तेज़ी से चल के आ रही हूँ ना, मैं मेट्रो में जाऊँगी ना तो आपको मेट्रो भी दिखाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो मेट्रो में जाना, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, और हकीकत में वो ना टाइम सेवर भी है। कितनी बार मेरे हस्बैंड के साथ जब मैं जाती हूँ तो हम गाड़ी आगे जाकर कहीं पे पार्क कर देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से मेट्रो में जाते हैं, ताकि टाइम जब हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है ना तो हम मेट्रो में चले आते हैं, क्योंकि मेट्रो अंडर रोड चलती है, सबवे। अब मैं ये अपने घर के एरिया में आ गई हूँ, ये देखिए हमारा रेड कलर का दरवाज़ा है ये, तो अब मैं एंटर करूँगी, फिर मिलेंगे, फिर मैं देखती हूँ अगर शाम में मैंने कोई वीडियो अपलोड किया तो वो अपलोड करूँगी, और अगर नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी अभी से कहती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।